कसूर हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों ने बहुत बहुत राम राम भाई। हम भाई चंडीगढ़ सेक्टर 39D में, और ये है पुलिस स्टेशन जहाँ पर इंद्र बलहारा को और कर्मू को कल रात को पकड़ कर लेके आए थे, और आज उनको अदालत में पेश करके और उनको कस्टडी में डाल दिया गया है। अभी कल देखते हैं क्या होगा। ये सभी साथी जो यहाँ पर रात को इकट्ठे हो रहे हैं, कल रात को भी थे, आज दिन में भी थे, और आज रात को भी अभी यही है। ठीक है ना, ये रहे भाई सभी साथी अपने हरियाणा के, पंजाब के, सभी जो यहाँ पर लगे हुए हैं लगातार। तो पहले तो सभी साथियों को राम राम भाई। एक तो है ना, लड़ना सीख लो भाई, एक दूसरे के लिए लड़ना सीख लो। जब तक एक दूसरे के लिए नहीं लड़ोगे ना, अकेले अकेले करके मारे जाओगे। लड़ना सीखो, ये सरकार तानाशाही दिखाकर आपको दबा के, आपको आपके घरों में ही डरा के मारा जा रहा है। इससे बचो, अगर इससे नहीं बचोगे, एक एक करके लड़ोगे, कोई फायदा नहीं होगा, हार जाओगे। एक साथ लड़ोगे, यूनिटी बना कर लड़ोगे, उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। और जो भी ये लग रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, हर चीज़ का विरोध करो, एकजुट हो जाओ, जागरूक करो सभी को, उसका विरोध करो। ये देखो जो लड़ने वाले होते हैं, जिनका ज़मीर होता जिंदा होता ना, इसे बड़ी बात देख लो। ये बुजुर्ग देख लो भाई, ये सभी साथी यहाँ पर हैं जो रात को भी, कल रात को भी थे, आज दिन में भी थे, अब रात को भी हैं। लेडीज और बच्चों को भेज दिया गया है, बुजुर्ग भी देख लो, जितने 80-80 साल के बुजुर्ग हैं यहाँ पे, और जो युवा घरों में लेटे हुए हैं, लेटे लेटे कमेंट करते हैं, ये ऐसे ही रोड जाम कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं भाई, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। पहले फसलों को बचाया था, अब नस्लों को बचाना है। ठीक है, करना आपको है, जागरूक करो, कैसे भी करो, करना आप लोगों को है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना भाई, ताकि और लोगों को पता लग जाए हम चंडीगढ़ सेक्टर 39D जो पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन के सामने ये यहाँ पर ये टेंट लगा रखा है। ठीक है, इस टेंट में हैं सभी साथी। जो साथी नहीं पहुँच पा रहे हैं या और कोई बात हो रखी है भाई, वो अपने वहाँ पर लगा लो। अभी रोड जाम करो, कुछ भी करो, लेकिन इस लॉकडाउन का विरोध करो। सबसे पहले क्या बंद हो रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, ITI, इंस्टीट्यूट सभी बंद हो रहे हैं। शैक्षणिक संस्थाओं को बंद किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चों को अनपढ़ जो बनाना है, अपने बच्चों को बचाना है, तो आपको रोड के ऊपर आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा इन सबसे। नहीं लड़ोगे तो ऐसे ही मारे जाओगे। अब फैसला आपके हाथ है, आप एक दूसरे को जागरूक करते हो, कैसे करते हो। जो जागरूक है, जिंदा, जिनका ज़मीर जिंदा है, वो लड़ रहे हैं, वो पहले भी लड़ रहे थे, अब भी लड़ रहे हैं, और वो लड़ते रहेंगे। लेकिन जिनका ना ज़मीर जिंदा है, हर बात में मर चुकी है ना, तो वो पहले लड़े थे, तब भी यही लड़े थे, अब भी यही लड़ रहे हैं। और ये लोग ही लड़ेंगे, आगे भी यही लड़ेंगे। तो सभी साथियों एक रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर नहीं आ पा रहे हो तो आप वहाँ पर अपने वहाँ पर लगाओ, बंद लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन इनका विरोध करो। जो ये तानाशाही चल रही है ना, इसका विरोध करो। विरोध नहीं करोगे तो ऐसे ही तानाशाही बढ़ती जाएगी। करना आप लोगों को है। राम राम सभी साथियों को।